नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी टाइमलाइनर्स में। सो फ्रेंड, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा कोई भी सीबीएसई से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए। तो देखिए, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो क्लास टेंथ या फिर क्लास ट्वेल्थ में स्टडी कर रहे हैं और अपने बोर्ड एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं। फ्रेंड, बहुत दिनों से बहुत सी खबरें ऐसी चल रही थी कि जो सीबीएसई है वो 50% तक आपका सिलेबस रिड्यूस कर रहा है। चाहे बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स थे, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स का आप देख सकते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं ये न्यूज़ 18 का है। फ्रेंड, ऐसे ऐसे जो आर्टिकल्स थे, बहुत सारे ऐसे ऐसे आर्टिकल्स चल रहे थे जिसमें बताया जा रहा था कि जो सीबीएसई वो 50% तक आपके जो सिलेबस है उसे रिड्यूस कर रहा है और आपके जो बोर्ड एग्जाम है वो भी अब मार्च की जगह क्या कहते हैं मई में कराए जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड, आपके जो बोर्ड एग्जाम है उन्हें मई में शिफ्ट किया जाएगा और जो आपके जो सिलेबस है उसे 50% तक रिड्यूस कर दिया जा रहा है। तो फ्रेंड, मैं आपको इस वीडियो में बता देना चाहूंगा, इस पॉइंट ऑफ टाइम तक ये सारी चीजें बिल्कुल फेक है, क्योंकि अभी तक सीबीएसई की तरफ से कोई भी ऐसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है जिसमें ये मैं आपको बता सकूं कि जो आपका सिलेबस है 50% तक रिड्यूस हो रहा है और जो आपके बोर्ड एग्जाम है वो मई में होंगे। तो फ्रेंड, मैं आपको बता देना चाहूंगा ये सारी चीजें बिल्कुल ही फेक हैं, जो भी जितने भी आप ऐसे वीडियोस देख रहे हैं फ्रेंड, क्योंकि अभी तक सीबीएसई ने इस पर कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी है। और फ्रेंड, मैं आपको एक और चीज बता देना चाहूंगा, ये आपको आर्टिकल दिख रहा होगा, इसमें फ्रेंड ये बोला गया है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने सीबीएसई से कहा है कि अपने सिलेबस को 50% तक रिड्यूस कीजिए और जो क्या कहते हैं पेपर्स है वो मई में करवाइए। लेकिन फ्रेंड, ये बात मैं आपको बता देना चाहूंगा, ये दिल्ली गवर्नमेंट ने सीबीएसई से कहा है, ना कि सीबीएसई ने इसकी अनाउंसमेंट की है। तो फ्रेंड, मैं आपको यही बात इस वीडियो में बता देना चाहूंगा, ऐसी कोई भी अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई है कि आपका एग्जाम जो होगा मई में होगा। और मैं आपको एक और बात बता देना चाहूंगा, अगर आपके एग्जाम मई में होते तो इससे काफी जो टाइम टेबल है वो बिगड़ जाएगा अगले ईयर जो स्टूडेंट एडमिशन लेंगे उनके लिए। हो सकता है कि जो आपका एग्जाम है वो 1 month क्या कहते हैं डिले हो सकता है, जो मैक्सिमम डिले हो सकता है। लेकिन फ्रेंड, इससे ज्यादा आपका जो एग्जाम है डिले नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रेंड इससे फिर नेक्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट एडमिशन लेंगे उनके जो एडमिशन प्रोसीजर, उसके बाद जो भी सारी चीजें होती हैं उनमें उनका जो एडमिशन होगा उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा, क्योंकि फ्रेंड ये सारी चीजें एक साइकिल के तौर पर काम करती है। तो फ्रेंड, इससे मैं आपको बता देना चाहूंगा, ऐसे फर्जी आर्टिकल से बिल्कुल दूर रहें और आप ऐसा ना हो कि अपनी पढ़ाई करना छोड़ दें। नहीं फ्रेंड, अभी सीबीएसई की तरफ से ऐसी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है कि आपका सिलेबस 50% रिड्यूस हो रहा है और आपका जो एग्जाम है वो मई में हो रहे हैं। तो फ्रेंड, आप अपनी तैयारी बिल्कुल तैयार रखें और क्या कहते हैं आप बिल्कुल उसी तरह से स्टडी करते रहें। और फ्रेंड, अगर कोई भी ऐसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन सीबीएसई की तरफ से आएगी तो फ्रेंड मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, और उसे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूले। आज के लिए